Good morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to study from class 10th, unit 4, adolescence. Reading C. That is enduring script. तो आज हम लोग adolescence का reading C करने जा रहे हैं और ये जो पाठ है अमारा भवानी देव के द्वारा लिखा गया है और एक जीवनी के रूप में जो लेखिका है अपने जीवनी के बारे में वो हम सभी को बताती है इस पाठ के माध्यम से, जब वो किशोर अवस्था में थी किस तरह से अपने पिताजी को देखती थी और उसके पिताजी उसके लिए एक आदर्श थे, एक हीरो थे और उसी से वो प्रेरणा पा करके वो भी एक लेखिका बनती है, क्योंकि उसके पिताजी पहले ऑल इंडिया रेडियो में कार्य करते थे और क्योंकि उससे उसको बहुत अधिक पैसा मिलता था, उसका जो सैलरी था अच्छा खासा था, लेकिन उसका जो जुनून था लिखने में, उसकी रुचि लिखने में थी, तो उसको छोड़ करके वो लिखने में अपना करियर बनाता है और वो लेखन कार्य करता है और रात भर जब लिखता था तो ये जब छोटी थी लेखिका उसमें बैठ करके उसको देखती रहती थी और वो किस तरह से उसके मन में एक प्रेरणा आया। ये जो हम देखते हैं लेखिका जो है मध्यम वर्ग परिवार से ही थी और किस तरह से अपने पिताजी के प्रेरणा से जो है उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद भी वो परिवार को अच्छे से संभाल पाए, परिवार को आगे बढ़ाने में वो मदद की और जितने जो भी परिवार में थे सभी कोई अच्छे से मतलब अच्छी नौकरी करने लगे। तो हम आज इसी को हम इस पार्ट में हम देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए। रीडिंग सी। डैडीज इंड्योरिंग स्क्रिप्ट। तो डैडीज मतलब पिताजी का, इंड्योरिंग इंड्योरिंग मतलब स्थाई, है ना, स्थाई। इंड्योरिंग जो मतलब लगातार बना रहता है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का अर्थ होता है हस्तलिपि। तो पिताजी का स्थाई हस्तलिपि, ये हम शीर्षक को हम बोल सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। Seated in our drawing room, Daddy quietly wrote into the night. So seated, बैठ करके, in our drawing room का होता है बैठक कक्ष। तो बैठक कक्ष में बैठ करके पिताजी शांत भाव से चुपचाप से रात को लिखते थे। In the night मतलब रात को लिखते थे। The green ink from his fountain pen turning thoughts into words in his beautiful handwriting. तो उसके कलम से जो हरा स्याही निकलता था और वह उसके विचारों को thoughts मतलब उसके विचारों को into words उसके विचारों को जो है वो हरा स्याही क्या में पिरो देता था, शब्दों में पिरो देता था। In his beautiful handwriting उसके सुंदर handwriting में, सुंदर हस्तलिपि में। तो कहने का अर्थ यही है कि उसके कलम से जो हरे रंग की स्याही निकलती थी और उसके पिताजी का जो विचार था उसको शब्दों में बदल देती थी, शब्दों में पिरो देती थी और उसको वह सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते थे। My mother and little sister would be fast asleep in the bedroom. तो मेरी माँ और मेरी जो छोटी बहन थी would be fast asleep in the bedroom मतलब वे बहुत जल्दी सो जाते थे। Asleep का अर्थ होता है यहाँ सो जाना। In the bedroom शयन कक्ष में वे बहुत जल्दी सो जाते थे। I sat huddled in a blanket, लेकिन मैं बैठे रहती थी। Huddled, huddled का अर्थ है जब ठंड के मौसम में व्यक्ति को ठंडा लगता है तो अपना हाथ पैर मोड़ करके वो किसी व्यक्ति से सट के बैठता है ताकि उसको ठंडा ना लगे। तो यहाँ भी जो है लेखिका वो कंबल ओढ़ करके अपना हाथ पैर मोड़ करके वो एक कुर्सी पर बैठ जाती थी। कैन शेर का अर्थ है बेंत का शेर, उस पर बैठ जाती थी। ऑपोजिट हिज डेस्क एंड वास्ट, और वो कहाँ पर बैठती थी, अपना पिताजी जो लिख रहे होते थे डेस्क पर, उस डेस्क के ठीक विपरीत में एक बेत की कुर्सी पर कंबल ओढ़ करके अपना हाथ पैर मोड़ करके वो वहां बैठा करती थी। इट वॉज द 1960s, तो ये लगभग 1960 की बात है। वी लिव्ड इन चेन्नई, तो उस समय हम लोग चेन्नई में रहते थे जो कि उस पहले इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था। In a smiling, modest house with white washed wall and green windows. तो एक खुशनुमा, smiling का अर्थ है खुशनुमा, modest मतलब साधारण घर में जो कि white washed मतलब जिसको पोता गया था, चूना से पोता गया था उसकी दीवार को, and green windows और उसकी दीवार चूने से पोता गया था और उसके जो खिड़की थे उसको
हरे रंग से पोता गया था, उसमें कलर चढ़ाया गया था। तो उस साधारण घर में इन लोग रहते थे। अ बिग गार्डन अराउंड इट, और उसके चारों ओर एक बहुत बड़ा क्या था, बगीचा था। बिग गार्डन मतलब बहुत बड़ा बगीचा था। एंड एन इनवाइटिंग पोर्च, और घर के दरवाजा के सामने जो थोड़ा सा बढ़ाया हुआ रहता है, छज्जा को आगे बढ़ाया हुआ रहता है ताकि बरसात या गर्मी के मौसम में व्यक्ति वहां खड़ा हो सके, बैठ सके, तो उसको कहा जाता है पोर्च। तो घर का आगे एक पोर्च भी था। टू हेल्प मेक एंड्स मीट, माई पेरेंट्स हैड रेंटेड आवर रेंटेड आउट हाफ द हाउस। हाफ द हाउस मतलब आधा घर को मेरे माता पिता क्या में दे दिए थे, किराया में। रेंटेड आउट, रेंटेड का, रेंटेड आउट का अर्थ होता है किराया में दे देना। तो आधा घर उसके माता पिता किराया में दे दिए थे। क्यों? टू हेल्प मेक एंड्स मीट, क्योंकि उसके घर की जरूरत पूरा नहीं हो पाती थी, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। तो अपने आवश्यकता को पूरी करने के लिए, एंड्स मीट मतलब अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए, उन्होंने आधा घर किराए में दे दिया था। आगे परिच्छेद हम देखते हैं। डैडी वॉज अ फ्रीलांस राइटर कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज टू टाइमिल मैगजीन्स। तो पिताजी जो थे वो एक फ्रीलांस, फ्रीलांस का अर्थ होता है जो स्वनियुक्त, अपने से नियुक्त हुआ हुआ और जो दूसरों पर किराए में काम करता है, उस कंपनी के लिए किराए में पैसा लेकर के काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है फ्रीलांस। तो पिताजी भी एक स्वनियुक्त क्या थे, लेखक थे, राइटर मतलब लेखक थे। कंट्रीब्यूटिंग जो कि लिखते थे, क्या के लिए, योगदान देते थे, शॉर्ट स्टोरी छोटी छोटी कहानियां तमिल मैगजीन, जो तमिल पत्रिका, मैगजीन का अर्थ होता है पत्रिका, तो तमिल पत्रिका के लिए वो छोटी छोटी कहानी लिखा करते थे। एंड स्क्रिप्ट फॉर फिल्म, और पटकथा, स्क्रिप्ट का अर्थ होता है पटकथा या तो कहानी लिखा करते थे, किसके लिए, फिल्म के लिए भी। Although the film offers were few, हालांकि जो फिल्म का जो प्रस्ताव था बहुत कम था, मतलब बहुत कम ऑफर आता था, बहुत कम प्रस्ताव आता था। एंड फार बिटवीन, और बहुत अंतराल के बाद आता था, फार बिटवीन मतलब बहुत देर में या तो बहुत अंतराल के बाद आता था। बिफोर आई वॉज बोर्न ही हैड वंस हेल्ड अ स्टेडी वेल पेइंग जॉब। तो इससे पहले कि मेरा जन्म हुआ था या तो मेरे जन्म से पहले, he had once held a steady well paying job, वह नौकरी करते थे। steady, steady का अर्थ है एक स्थायी नौकरी करते थे जिसमें उनको अच्छा खासा वेतन मिलता था। well paying job मतलब बहुत अच्छा से उसमें, उस नौकरी में पैसा मिलता था। कहां पर, त्रिवांद्रम में, as मलयालम न्यूज रीडर, त्रिवांद्रम में वो नौकरी करते थे। कौन सा नौकरी था, मलयालम न्यूज रीडर। मलयालम न्यूज रीडर मतलब मलयालम भाषा में वो न्यूज पढ़ते थे, जैसे कि हम टीवी चैनल इत्यादि में देखते हैं कि एंकर लोग जो है न्यूज को पढ़ते हैं, तो मलयालम न्यूज चैनल में वो भी क्या करते थे, मलयालम न्यूज पढ़ा करते थे। हिज नेम नागरकोइल के पद्मनाभन, नोन टू ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स इन केरला। तो उसका नाम जो है केरला के जितने भी ऑल इंडिया रेडियो के जो श्रोता है, लिसनर्स मतलब जो श्रोता है, उन सभी को मतलब उसका नाम पता है। हिज नेम उसका नाम ये जो है वो सभी जो ऑल इंडिया रेडियो के जितने भी श्रोता हैं केरल में उनको पता है, क्योंकि वो क्या करता था, न्यूज पढ़ा करता था। He had suddenly resigned from All India Radio to pursue with relentless passion his dream of being a writer. तो वह अचानक से, suddenly मतलब अचानक से, resigned मतलब त्याग पत्र दे दिया from All India Radio. तो ये जो नौकरी कर रहा था ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज न्यूज पढ़ने का, उसमें से वो इस्तीफा दे देता है, त्याग पत्र दे देता है। तो परसू, परसू मतलब पीछा करना होता है इसका अर्थ। तो लेकिन रिलेंटलेस, रिलेंट का अर्थ होता है पछतावा करना, लेकिन बिना पछतावा के अपना नौकरी को छोड़ देता है। उससे किसी भी तरह का पछतावा नहीं होता है कि मैं इतना अच्छा नौकरी था उसको छोड़ दिया, इस तरह का कोई पछतावा नहीं होता है। तो क्यों छोड़ दिया, पैशन, पैशन मतलब अपना जुनून था, पैशन का अर्थ होता है जुनून। His dream, उसका एक सपना था being a writer, वो क्या बनना चाहता था, एक लेखक बनना चाहता था, उसका एक सपना था कि वो लेखक बने, और इसीलिए वो ऑल इंडिया रेडियो से अपना नौकरी छोड़ देता है। Among Daddy's early friends in Chennai were actors Jemini Ganesan and Nagesh. तो डैडी के जो पहले दोस्त लोग थे, अर्ली फ्रेंड्स, जो उनके शुरुआत में जो दोस्त लोग थे, उनमें से जो चेन्नई में थे, उनमें से जो अभिनेता है कौन, जेमिनी गणेशन और नागेश थे, ये डैडी के मित्र थे। कॉमेडियन, तो नागेश जो है क्या, एक हास्य अभिनेता है, कॉमेडियन का अर्थ है हास्य अभिनेता।
गणेशन कंटिन्यूड टू विजिट अस इवन आफ्टर ही बिकेम फेमस। तो गणेशन जो है बाद में भी प्रसिद्धि होने के बाद भी, फेमस अर्थ है प्रसिद्ध होना, तो प्रसिद्ध होने के बाद भी हमारे घर में वो आया करता था। आई वुड लुक आउट स्टार स्ट्रक, तो मैं देखा करती थी। आई वुड लुक आउट मतलब मैं देखा करती थी। आई वुड लुक आउट स्टार स्ट्रक, स्टार स्ट्रक मतलब देखते रह जाती थी, क्योंकि वो अभिनेता है। अगर कोई अभिनेता है तो सब आदमी मतलब बहुत आकर्षित मनमोहक तरीके से उसके ऊपर उसको देखते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ लेकी का भी देखा करती थी। इस ब्लू फियाट ड्रोव इन, उसका नीले रंग का जो कार था, जो फियाट, फियाट का अर्थ यहाँ कार से है, उसका नीले रंग का कार जब अंदर घुसता था। ही वुड टीज माय हैंडसम डैड, और वह छेड़ा करता था। टीज, टीज का अर्थ है छेड़ना, तो वह मेरे प्यारे से सुंदर से पिताजी को छेड़ा करते थे। हैंडसम मतलब सुंदर से पिताजी को छेड़ा करते थे। कॉलिंग क्या बोल करके, कॉलिंग ही मतलब ये बोल करके, माँ पिल्लाई, माँ पिल्लाई का अर्थ होता है तमिल में फॉर ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा, ब्राइड ग्रूम का अर्थ है दुल्हा, तो दुल्हा बोल करके वो उसको छेड़ा करते थे। एंड द टू वुड गो ऑन टॉकिंग सॉफ्ट, और दोनों बात करते करते दुकान की तरफ चले जाते थे। आगे अगला परिच्छेद, वन थिंग डैडी हैड गेन्ड अर्ली फ्रॉम हिज राइटिंग वाज मम्मी, तो लेखन कार्य प्रारंभ करने से पहले ही पिताजी ने जो अर्जित किया था, गेन्ड, गेन्ड का अर्थ है किसी कार्य अर्जित करना, तो पिताजी ने जो अर्जित किया था लेखन कार्य प्रारंभ करने से पहले ही, वो कौन थी, मम्मी थी, मतलब मम्मी को पहले ही पा लिया था पिताजी। एन इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट, तो ये मम्मी के उसकी लेखिका के माँ के बारे में बताया जा रहा है, वो क्या थी, एक अंग्रेजी साहित्य में वो स्नातक थी, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का अर्थ है स्नातक। इंग्लिश लिटरेचर का अर्थ है अंग्रेजी साहित्य में वो स्नातक थी। एंड अविड रीडर, और एक उत्साही पढ़ने वाली थी, अविड का अर्थ है उत्साही। शी वॉज अ फैन ऑफ डैडीज मैगजीन स्टोरी, वह दीवानी थी, फैन, फैन का अर्थ होता है पंखा होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, दीवानी, मतलब वो बहुत अधिक दीवानी थी, किसके, पिताजी का जो पत्रिका में जो वो कहानी लिखा करते थे, छोटी छोटी कहानी, उस कहानी की वो दीवानी थी, बहुत पसंद करती थी वो। द टू बिकेम पेन पॉल्स, और ये दोनों क्या बन गए, पत्र दोस्त बन गए, पेन पॉल्स, पेन पॉल्स का अर्थ है पत्र दोस्त, जो एक दूसरे का परिचय हो जाता है लिखने के पश्चात, या जो भी आर्टिकल या लेख लिखते हैं उसके बाद में दोस्ती हो जाती है, उसको कहा जाता है पेन पॉल्स। मेट, और उन लोग दोनों मिल गए, एंड गॉट मैरिड, और शादी कर ली। ऑल द डू आइड ब्यूटी फ्रॉम बैंगलोर वॉज नो ब्राह्मिन लाइक डैडी, हालांकि, ऑल द मतलब हालांकि, द डू आइड का अर्थ है जिसके बड़ी बड़ी आंखें, नीली आंखें और सुंदर आंखें, उसको कहा जाता है डू आइड, मतलब हिरनी की जैसी आंखें बोल सकते हैं आप लोग, हिरनी की जैसी आंखें, और सुंदर थी उसकी माँ, फ्रॉम बैंगलोर, वो बैंगलोर से थी, वॉज नो ब्राह्मण लाइक डैडी, लेकिन वो किसी ब्राह्मण परिवार से, पिताजी की तरह से ब्राह्मण परिवार से नहीं थी, क्योंकि पिताजी ब्राह्मण परिवार से थे लेकिन उसकी माँ जो है ब्राह्मण परिवार से नहीं थी। इट वॉज अ ह्यूज लीप ऑफ फेथ टू मैरी इंटरकास्ट इन दोज डेज, तो ह्यूज लीप ऑफ फेथ, ये एक idiom है, मतलब मुहावरा है, ह्यूज लीप ऑफ फेथ, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, मुहावरा है। तो बोला गया है कि उस समय ऐसा सोच पाना बहुत ही कठिन था, या ऐसा विश्वास कर पाना बहुत ही कठिन था, क्या विश्वास कर पाना, कि अंतर जातीय शादी, है ना, अंतर जातीय शादी के बारे में विश्वास करना या सोच पाना उस समय की परिस्थिति में बहुत ही कठिन था, क्योंकि आज तक लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हर जाति के लोग अपनी ही जाति बिरादरी में शादी करते हैं, किसी दूसरी जाति बिरादरी में शादी करना तो अभी भी थोड़ा कठिन है, लेकिन उस समय की बात की जा रही है, लेकिन मतलब इंटरकास्ट शादी मतलब अंतर जातीय विवाह ही हुआ था, क्योंकि उसकी माँ ब्राह्मण जाति से नहीं थी और उसका पिताजी ब्राह्मण था। As I sat there watching daddy, और जब मैं वहां बैठ करके देख रही थी उसको, पिताजी को, I wondered what he would write every day, तो मेरे को आश्चर्य होता था कि वो प्रतिदिन क्या लिखेगा, what he would write every day मतलब प्रतिदिन वो क्या लिखेगा। I knew how he always worked on his next story at night, मैं जानती थी कि प्रत्येक दिन कैसे वो लिखता था नेक्स्ट स्टोरी, अगले कहानी के बारे में कैसे वो लिखता था, एट नाइट रात के समय में, मतलब अगला कहानी के बारे में वो रात के समय में उसके बारे में वो सोचता था और लिखता था। इवन एज ही वॉज वर्किंग ऑन हिज करेंट वन एट द फिल्म स्टूडियो, फिल्म स्टूडियोज,
यहाँ तक कि अभी भी ही वॉज वर्किंग, काम कर रहा था ऑन हिज करेंट वन, करेंट वन मतलब वर्तमान में काम कर रहा था क्या के लिए, फिल्म स्टूडियो के लिए वो काम कर रहा था। माय बिग हिट इज जस्ट अ स्क्रिप्ट अवे, ही वुड स्माइल। तो बोल रहा था कि मेरा जो सबसे जो हिट होने वाला है या सबसे सफल होने वाला है एक ही स्क्रिप्ट की दूरी पर है, एक कहानी में लिखा या एक पटकथा लिखा उसके बाद हमको भारी सफलता मिलेगी, ऐसा वो मुस्कुरा करके कहा करता था। स्माइल मतलब मुस्कुरा करके, इस डीप डिम्पल्स शोइंग, और ऐसा मुस्कुराता था तो उसके जो गाल में जो गड्ढा बन जाता था वो दिखता था। डिम्पल्स मतलब गाल, जो कोई मुस्कुराता है तो उसके गाल में जो गड्ढा बन जाता है उसको कहा जाता है डिम्पल। Aren't you sleepy? वो पूछता था, क्या तुमको नींद नहीं लग रही है? No, I would mumble. और मैं सोचती थी या मैं बड़बड़ाती थी, मम्बल का अर्थ होता है बड़बड़ाती थी, मैं बड़बड़ाती थी कि मेरे को नींद नहीं आ रहा है बोलती थी। Although I had often dozed off in the chair and he would carry me to bed next to mom. हालांकि यद्यपि मैं बहुत बार, I would often doze, मैं हमेशा अधिकतर मैं क्या करती थी, झुकती थी, doze का अर्थ होता है झुकती थी, इन द चेयर कुर्सी पर ही झुकती थी और सो जाती थी। And he would carry me to bed next to mom, और वह मेरे को ढो करके ले जाता था मम्मी के बगल में, next to mom मतलब मम्मी के बगल में वो मेरे को सुला देता था। I would dream of reams of white paper, और मैं सपना देखती थी, I would dream मतलब मैं सपना देखा करती थी, reams of white paper मतलब सफेद कागज का दस्ता, reams का अर्थ होता है दस्ता, तो सफेद कागज का दस्ता वो सपना में देखा करती थी, filled with green writing जो कि हरे रंग की स्याही से मतलब लिखावट से भरा होता था, हरे रंग की लिखावट से भरा होता था, and of valiant heroes और कुछ बहादुर नायकों के बारे में, valiant, valiant का अर्थ होता है बहादुर, heroes का अर्थ होता है नायकों के बारे में ये सपना देखती थी, could always triumph over evil, तो जो अच्छाई है, good का अर्थ होता है अच्छाई, तो अच्छाई की हमेशा जीत होती है किसके ऊपर, बुराई पर, triumph का अर्थ होता है बुराई पर, always तो अच्छाई की जीत हमेशा बुराई पर होती है, evil का अर्थ होता है बुराई, and dad's heroes were always good, और पिताजी के जितने भी जो नायक लोग थे सभी लोग अच्छे थे। When I was 10, जब मैं 10 साल की थी, he gave me Harper Lee's novel, उसने मुझको Harper Lee का है एक लेखिका है, उसका उपन्यास पढ़ने को दिया, और उपन्यास का नाम था To Kill a Mockingbird, तो ये उपन्यास उसके पिताजी ने लेखिका को पढ़ने दिया, a rather new book, और उस समय बहुत नया नया पुस्तक था। Just one story like that is enough for a lifetime, he said. उन्होंने कहा, एक कहानी इस तरह और यही तुम्हारे जीवन भर के लिए पर्याप्त है, उसने कहा उसको उपन्यास को देते हुए उसके पिताजी ने। I sensed longing in him. तो बोलते हैं मेरे को एहसास हुआ कि लालसा को, उसका जो क्या इच्छा था, उसका लालसा क्या था पिताजी का, वो sensed मतलब वो एहसास कर पाए। He had a body of work by then. तो अभी तक उसके पास बहुत अधिक काम आ चुके थे, body of work मतलब बहुत सारा काम था अभी तक और बहुत सारे कामों पर वो कार्य कर रहे थे। But a big hit eluded him. लेकिन जो बड़ा हिट था, सफलता था, उससे बस बस कर निकल जाता था, eluded मतलब बस कर निकल जाना, बहुत अधिक कहानी पर वो काम कर रहे थे, बहुत सारा काम था लेकिन उसका काम जो है जो फिल्म पर पटकथा लिखते थे वो हिट होते होते मतलब बच जाता था, मतलब हिट होते होते मतलब निकल जाता था, eluded मतलब बच जाता था, मतलब सफलता नहीं मिल पा रहा था। The novel made a great impact on me. ये जो उपन्यास था बहुत गहरे रूप से मेरे को क्या किया, प्रभावित किया, बहुत अधिक प्रभाव डाला मेरे ऊपर, बोल रही लेखिका। And how right daddy was, और बोल रही कि पिताजी कितने सही थे, right मतलब सही थे। Harper Lee never wrote another novel. ये जो लेखिका थी उस उपन्यास की, Harper Lee, उसने दूसरा उपन्यास कभी नहीं लिखा, नॉवल का अर्थ उपन्यास, दूसरा उपन्यास कभी नहीं लिखा। Yet became a legend with her only book, और केवल एक ही पुस्तक से, only book मतलब एक ही पुस्तक लिखी और उससे वो क्या हो गई, फेमस हो गई। लेजेंड का दो अर्थ होता है, एक तो होता है पौराणिक कथा होता है, लेकिन यहाँ एक पौराणिक कथा से नहीं है लेकिन फेमस से है, वो इतना अधिक एक ही उपन्यास लिखे और उसी से वो उतना अधिक क्या हो गई, फेमस हो गई, कौन, Harper Lee। आगे हम देखते हैं,
समर नाइट्स डैडी वुड रिगेल अस विद टेल्स अबाउट द फिल्म शूट्स। तो गर्मी के दिनों में पिताजी हम लोगों को रिगेल, रिगेल मतलब सुनाया करते थे, मनोरंजन किया करते थे, हमारा मनोरंजन किया करते थे विद टेल्स अबाउट द फिल्म शूट, फिल्म की शूटिंग की कहानियां बता करके हमारा मनोरंजन किया करते थे गर्मी के दिनों में पिताजी। ही वॉज अ गुड मिमिक, और वह बहुत अच्छे क्या थे, नकलसी थे। मिमिक मतलब किसी का नकल उतारना, मिमिक का अर्थ है किसी की तरह बोलना, एग्जैक्ट उसी की भाषा में बोलना। तो वो बहुत अच्छे नकलसी थे। विथ हिज रेडियो स्टार्स वॉइस एंड वॉज एन एक्सेलेंट एक्टर हिमसेल्फ, तो अपने जो रेडियो कलाकार में उसके साथ और भी जो कलाकार थे जो न्यूज वाचन का काम करते थे उनका वो आवाज निकाल सकता था, बहुत सुंदर तरीके से उनका नकल कर सकता था आवाज निकाल करके, और वो बहुत अच्छा खुद भी क्या था, कलाकार था, एक्टर, वो खुद भी एक बहुत अच्छे कलाकार थे। एंड आई वुड साई, और तब मैं आह भरती थी। साई, साई का अर्थ है आह भरना। व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज टू बी अ राइटर, कितना ही अच्छा है, कितना अद्भुत है एक लेखक होना, ऐसा वो बोलती थी, कौन, लेखिका। ऑन संडे एंड हॉलीडेज, तो रविवार के दिन और छुट्टी के दिनों में आई वुड गो अप टू द अटिक, तो मैं जाया करती थी टू द एटिक। एटिक का अर्थ है जो कि लेंटन का घर होता है, तो छज्जा के ठीक नीचे थोड़ा सा जो गैप रहता है वहां कुछ सामानों को रखने के लिए जो थोड़ा सा स्पेस होता है, जगह होता है, उसको कहा जाता है एटिक, अटारी। वेयर आई हिड माय जर्नल, जहां मैं छिपाया करती थी, हिड का अर्थ है छिपाया करती थी, माय जर्नल मेरे अखबारों को या मेरे जो पत्रिका थे उसको छिपाती थी। एंड राउट एंड राइट एंडलेस स्टोरीज ऑफ माई ओन, और अनंत, एंडलेस मतलब अनंत कहानियां, अपना खुद की कहानियां लिखा करती थी, अपनी खुद की कहानियां अनंत मतलब लिखा करती थी। एंड डैडी रोट स्क्रिप्ट फॉर तेलुगु प्रोड्यूसर्स, और जब पिताजी ने तेलुगु निर्माता के लिए, प्रोड्यूसर्स मतलब निर्माता, तेलुगु निर्माताओं के लिए एक फिल्म की पटकथा लिखी, स्क्रिप्ट मतलब पटकथा लिखी, कहानी लिखी फिल्म के लिए, दे वुड बी इन इंग्लिश, और वो अंग्रेजी में हुआ करता था। Sometimes he would ask me, और कभी कभी मेरे को पूछा करते थे, for a particular English word, एक निश्चित अंग्रेजी शब्द का उसको पता नहीं होता था, और उस खास शब्द के लिए मेरे को अंग्रेजी में पूछते थे, खास शब्द के बारे में पूछते थे, which I would supply, जिसको कि मैं बताया करती थी। My heart would swell with pride, और मेरा जो मन था, मेरा हृदय था, वो गर्व से फूला नहीं समाता था। प्राइड, प्राइड का अर्थ है गर्व, स्वेल मतलब फूल जाना, तो उसका मन और उसका हृदय जो है गर्व से फूला नहीं समाता था, क्यों, क्योंकि आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज राइटिंग, वो सोचती थी कि मैं भी उसके लेखन सामग्री का या तो उसका लेखन का, लिखनी का मैं भी एक क्या हूँ, अंग हूँ, हिस्सा हूँ। माई सिस्टर अनुराधा एंड आई स्टडी इन चेन्नाइज हॉली एंजल्स कॉन्वेंट, तो मेरी बहन अनुराधा और मैं पढ़ाई करते थे चेन्नई का जो हॉली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल है, वहां हम लोग क्या करते थे, अध्ययन करते थे। अ मोस्ट एक्सक्लूसिव स्कूल, जो कि बहुत ही उत्तम और खर्चीला स्कूल है, एक्सक्लूसिव करते उत्तम और जहां अधिक खर्च होता है, बहुत ही खर्चीला स्कूल था। इसमें फादर कुड इल अफोर्ड, जिसको कि मेरा पिताजी बड़े मुश्किल से वहन कर पाते थे। इल अफोर्ड, अफोर्ड का अर्थ वहन करना, इल अफोर्ड मतलब बहुत मुश्किल से उसका खर्चा वो पूरा कर सकते थे। स्टिल, इसके बावजूद भी, He wanted us to study, वो चाहता था कि हम अध्ययन करें, and speak English well, और अच्छे से अंग्रेजी बोलें, and entitlement, he would say, और वो भी बोलता था कि अच्छे से अंग्रेजी बोलो, अधिकार के साथ, he would say, वो ऐसा कहा करता था, entitlement, मतलब अधिकार के साथ अंग्रेजी बोलो, जिसको कि भाषा में आपकी अच्छी पकड़ हो, ये व्यक्ति क्या बोल सकता है, अच्छे अंग्रेजी बोल सकता है, मतलब आपका भाषा में पकड़ होने चाहिए, ऐसा वो बोला करता था उसका पिताजी। Then one day, तब एक दिन, I heard my parents whisper excitedly of a lucrative offer. तब मैंने एक दिन अपने माता पिता को फुसफुसाते हुए सुना, whisper, whisper का अर्थ है धीमी आवाज में बोलना, excitedly मतलब बड़े ही उत्साह से उन लोग धीमी आवाज में बोल रहे थे। A lucrative offer, lucrative का अर्थ है लाभदायक, कुछ लाभ होने वाला था, है ना, कुछ लाभ होने वाला था, कुछ फायदा होने वाला था, उसके बारे में उन लोग बात कर रहे थे। That had come to daddy for a Telugu film, और ये जो लाभ पिताजी के को मिलने वाला था क्या से, तेलुगु फिल्म से, तेलुगु फिल्म की उसने कहानी लिखी थी होगी और वो फिल्म हिट हो गया होगा, तो उसी का उस पैसा उसको मिलने वाला था। At last we would be rich, तो अंत में हम लोग अमीर हो जाएंगे, we would be rich मतलब हम लोग
अमीर हो जाएंगे। एंड मम हैड प्रोमिस्ड मी अ रेड फ्रॉग, और मम्मी ने मुझसे वादा किया था, प्रोमिस्ड मी मतलब मुझसे वादा किया था रेड फ्रॉग कि वो मेरे को एक लाल फ्रॉक देगी। सम स्टेशनरीज, कुछ लेखन सामग्री, स्टेशनरीज मतलब लिखने के लिए कुछ सामग्री, लिखने पढ़ने के लिए कुछ सामग्री। एंड अ न्यू डॉल, और एक नया गुड़िया देगी। तो क्योंकि लेखिका किशोर अवस्था में है और उसका सोच क्योंकि इतना ही तक सीमित रहेगा और ऐसा ही कुछ हो उस अवस्था के अनुरूप वो सोच रही है। तो आगे हम देखते हैं, देयर वॉज एन एयर ऑफ सप्रेस्ड एक्साइटमेंट इन द हाउस। तो वहां पर घर में एक तरह से खुशी का माहौल बन गया था, खुशी का दबाव बन गया था। सप्रेस्ड, सप्रेस्ड करते दबाव, एक्साइटमेंट उत्साह का, या तो खुशी का दबाव बन गया था क्या घर में। ऑफ ड्रीम्स दैट वेर फाइनली कम ट्रू, एक जो सपना था वो आखिर में साकार होने जा रहा है। कम ट्रू मतलब साकार होने जा रहा है, जो उन्होंने सपना देखा था अमीर बनने का, मतलब घर में इस तरह का माहौल बन गया, एक खुशी का दबाव बन गया, तो जो सपना देखे थे वो आखिर में साकार होने जा रहा है। I had a school picnic to go on early one morning. तो हमको स्कूल के तरफ से एक दिन वनभोज के लिए पिकनिक के लिए जाना था। अर्ली वन मॉर्निंग मतलब बड़े सवेरे मेरे को स्कूल की ओर से पिकनिक जाना था, लेखिका बोल रही है। द इवनिंग बिफोर डैडी हैड कम होम टायर्ड फ्रॉम वर्क। तो पिकनिक जाने के से एक दिन पहले का शाम, पिकनिक जाने के एक दिन पहले का शाम, डैडी हैड कम, पिताजी आए थे होम, घर आए थे, टायर्ड थके हारे फ्रॉम वर्क, अपने काम से थके हारे वो घर आए थे। बट टुक मी आउट टू बाय स्नैक्स, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे को बाहर ले गए, टुक मी आउट मेरे को बाहर ले गए टू बाय स्नैक्स, स्नैक्स का अर्थ है नमकीन खरीदने के लिए, एंड स्वीट्स कुछ नमकीन और मिठाई खरीदने के लिए वो मेरे को कहाँ ले गए, बाहर ले गए, बाजार ले गए शायद फॉर द पिकनिक, क्योंकि उसको पिकनिक जाना है। तो अरेंज कर दे रहे हैं, व्यवस्था कर दे रहे हैं अपनी बेटी के लिए पिकनिक जाने के लिए कुछ नमकीन या तो कुछ मिठाइयाँ खरीदने के लिए उसको बाजार ले गए। माय बास्केट वॉज क्रैम्ड विथ गुडीज, और जो मेरा थैला था, जो बास्केट था, वो ठस क्रैम्ड, क्रैम्ड का अर्थ है ठसाठस भरा हुआ था, गुडीज मतलब मिठाइयों से, खाद्य सामग्री से, मिठाइयों से वो भरा हुआ था। आई वॉज बर्स्टिंग विथ जॉय, और मैं खुशी से फूला नहीं समा रही थी। बर्स्टिंग का अर्थ है फूट पड़ना, खुशी से मतलब वो फूला नहीं समा रही थी लेखिका। डैडी सेट द अलार्म फॉर 5 in the morning, और डैडी ने सुबह का 5 बजे का क्या लगा दिया, अलार्म लगा दिया घड़ी में, ताकि समय पर जल्दी से उठ सके। आयर्न्ड माय क्लोथ्स, मेरे कपड़े को इस्त्री कर दिए फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। एंड वेंट टू बेड, और सोने से ले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ, और अगले सुबह अलार्म जो है 5 बजे बजने के बाद वो ऑफ हो गया, मतलब बंद भी हो गया। आई गॉट अप, मैं उठ गई, बट डैडी डिड नॉट, लेकिन पिताजी नहीं उठे। He passed away in his sleep. वो अपनी नींद में ही गुजर गए थे, मतलब मर गए थे। A coronary thrombosis, the doctor explained. उसकी मृत्यु कैसे हो गई थी, डॉक्टर उसका वर्णन करते हैं। डॉक्टर ने बताया उसके हृदय की जो रक्त वाहनियां हैं, coronary thrombosis मतलब उसके हृदय की जो रक्त वाहनियां हैं, उसमें खून जम गया था, थक्का बैठ गया था, और वो जो रक्त संचार रक्तवाहिनी था वो क्या हो गया था, अवरुद्ध हो गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर ने ऐसा बताया। आई वॉज 13, मैं उस समय 13 साल की थी। माई सिस्टर अनुराधा 8 और मेरी बहन अनुराधा 8 साल की। डैडी वॉज जस्ट 41 और पिताजी की उम्र 41 साल की थी। अलॉन्ग विथ हिज बॉडी आवर ड्रीम्स टू वेंट अप इन फ्लेम्स, और उसके शरीर के साथ या तो उसकी मृत्यु के साथ हम लोगों का सपना भी क्या हो गया, जल के राख हो गया। फ्लेम्स, फ्लेम्स का अर्थ है ज्वाला, फ्लेम आग का जो लपटे निकलते हैं। तो उसके मरने के बाद हमारा जो भी हमने सपना देखा था वो भी क्या हो गया, जल के खाक हो गया। बट निंदु हृदयालु द तेलुगु मूवी ही हैड स्क्रिप्टेड विद सुपरस्टार एनटी रामाराव, लेकिन ये जो तेलुगु फिल्म था, क्या था तेलुगु फिल्म, निंदु हृदयालु द तेलुगु मूवी मतलब तेलुगु फिल्म, इसके लिए हमारे पिताजी ने मतलब कहानी लिखी थी, पटकथा लिखा था, स्क्रिप्टेड मतलब पटकथा लिखा था, और जिसके नायक थे टी एन रामाराव, और उसके जो एक्टर थे, अभिनेता थे उस फिल्म के, टी एन रामाराव थे इन द लीड मतलब मुख्य पात्र में। हैड सेलिब्रेटेड इट्स 100th डे, तो ये अपना 100 दिन पूरा करने का वर्षगांठ मना रहा था, ये जो फिल्म है वो अपना 100 दिन पूरा करने का वर्षगांठ मना रहा था। द प्रोड्यूसर सेंट सम एडिशनल मनी, और जो इस फिल्म के निर्माता थे, प्रोड्यूसर मतलब जो इस फिल्म के निर्माता थे, उसने कुछ
अलग से कुछ पैसे भेज दिए, एडिशनल मनी मतलब और अधिक पैसे भेज दिए टू माई मदर मेरी मम्मी के लिए फॉर द हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ऑफ द फिल्म, जो कि बहुत सारे जो साउथ फिल्में होती हैं वो तेलुगु या तमिल में होती हैं लेकिन उसको डब किया जाता है हिंदी में और उसके लिए उनको अलग से मतलब पैसा मिलता है। तो वही पैसा हिंदी भाषा में इसको डब करने के लिए करने के बाद जो पैसा मिला था उस पैसे को उसकी माँ के लिए भिजवा देता है इस फिल्म के जो निर्माता था वो। द मूवी वॉज ब्लॉकबस्टर और ये जो फिल्म था बहुत ही क्या हुआ हिट साबित हुआ, ब्लॉकबस्टर मतलब बहुत सफल हो गया, टॉकीज में बहुत सफल हो गया। एंड द फर्स्ट इन इट्स जेनेरे और ये पहला इस तरह का फिल्म था, जेनेरे मतलब इस प्रकार का ये पहला फिल्म था जो कि बहुत अधिक हिट हुआ था। डैडी स्क्रिप्ट बिकेम अ रिकरिंग बॉलीवुड थीम और डैडी का जो पटकथा लिखने का जो तरीका था वो बॉलीवुड का एक तरह से मतलब थीम बन गया। रिकरिंग रिकरिंग मतलब बार बार लोग जिस तरह से उसका पिताजी कहानी लिखा था उसी को हम लोग बार बार मतलब उसी तरह से हम लोग लिख रहे थे, वैसे ही उन लोग कहानी लिख रहे थे। थ्री ब्रदर्स तो कैसे कहानी था यहाँ पर लिखा हुआ है, थ्री ब्रदर्स सेपरेटेड इन चाइल्डहुड तो बचपन में तीन भाई लोग क्या होते हैं हम लोग बिछुड़ जाते हैं, इस तरह की कहानी था फिल्म का कुछ। तो फिल्म की कहानी में तीन भाई लोग हैं उन लोग बचपन में बिछुड़ जाते हैं, रीयूनाइटेड एज एडल्ट्स और वे जब बड़े हो जाते हैं तो उन लोग फिर से मिल जाते हैं, अवेंजिंग देयर पेरेंट्स मिसफॉर्चून और उन लोग बदला लेते हैं, अवेंज मतलब बदला लेना, देयर पेरेंट्स मिसफॉर्चून अपने माता पिता का जो दुर्भाग्य है उसका उन लोग क्या लेते हैं बदला लेते हैं जब मिल जाते हैं। तो इसी तरह की कहानी बाद में बार बार दोहराई जाने लगी इसमें साउथ फिल्मों में। अनदर तेलुगु प्रोड्यूसर हैड विजिटेड अस टू ऑफिस टू ऑफर हिज कंडोलेंस सॉरी तो अनदर तेलुगु प्रोड्यूसर हैड विजिटेड अस टू ऑफर हिज कंडोलेंस तो आज जो दूसरा तेलुगु निर्माता था वो भी हमारे घर आए थे हमको सहानुभूति देने के लिए, कंडोलेंसेस कंडोलेंसेस का अर्थ होता है सहानुभूति देने के लिए। दूसरा जो तेलुगु फिल्म के और एक निर्माता थे वो भी हमारे घर आए हुए थे। ही रिमार्क रूफुली दैट माय फादर्स स्क्रिप्ट फॉर हिम वाज लेफ्ट हाफ डन और उन्होंने मतलब पछतावा के भाव से कहा, रूफुली मतलब पछतावा के भाव से कहा उसका पिताजी का जो पटकथा था और जो उसके लिए कुछ कहानी लिख रहे थे उसके फिल्म के लिए वो आधा अधूरा था, लेफ्ट हाफ डन मतलब अधूरा था वो पूरा नहीं किया गया था। आई नो द स्टोरी आई टोल्ड हिम लेखिका बोलती है कि मैं उस कहानी को जानती हूँ, मैंने उससे कहा आई कुड फिनिश फॉर यू और मैं उसको आपके लिए पूरा कर सकती हूँ बोली। ही लुक्ड एट मी विथ काइंड आइज और उसने मेरे को बहुत ही दयालु आंखों से मेरे मेरे तरफ देखा जो फिल्म निर्माता थे वो। आर यू श्योर तो बोल रहे हैं क्या आप निश्चित हो निश्चित रूप से तुम पूरी कर सकते हो इस कहानी को। आई नोडेड मैंने अपना सिर हिला दिया, नोडेड का अर्थ है सिर हिला देना। डैडी डिस्कस द ट्रीटमेंट विथ मी तो बोल रहे कि डैडी जो है इस कहानी का चर्चा मुझसे किया करते थे, ट्रीटमेंट मतलब यहाँ पर चर्चा इस कहानी के बारे में मुझसे चर्चा किया करते थे, कहानी लेखिका बता रही है। ही स्माइल्ड एट माई यूज ऑफ जार्गन और उसने मेरे इस तरह से बोलने बोलने पर मुस्कुरा दिया, जार्गन जार्गन का अर्थ इस तरह का बोली बोली पर वो केवल क्या किए मुस्कुरा दिए। आई कंप्लीटेड द स्क्रिप्ट फॉर हिम और मैं उसके लिए उस फिल्म की कथा या तो उस फिल्म की पटकथा को पूरा कर दी। माई मदर हु हैड बीन अ टीचर बिफोर हर मैरिज मेरी माँ जो कि अपने शादी होने से पहले या तो विवाह के पहले एक शिक्षिका थी, वेंट बैक टू सपोर्ट द फैमिली वो वापस चली गई परिवार को संभालने के लिए, सपोर्ट द फैमिली मतलब परिवार को संभालने के लिए वापस चली गई। वी लेफ्ट आवर बिलव्ड होम एंड सिटी और इसीलिए हम लोगों को भी जाना पड़ा, हम लोग भी अपना प्यारा सा घर बिलव्ड होम मतलब प्यारा सा घर और शहर को छोड़ के कहाँ चले गए, मूविंग टू माई मदर्स अनसेस्ट्रल होम इन बैंगलोर हम लोग भी अपनी माँ का अनसेस्ट्रल होम मतलब पैतृक घर अनसेस्ट्रल होम पूर्वजों का घर जो कि बैंगलोर में था वहां से ले गए, बोल रही लेखिका। देन एज द ईयर्स रोल्ड बाय और जैसे कि मतलब वर्ष बीतता गया, जैसे जैसे साल बीतता गया रोल्ड बाय साल बीतता गया, लाइफ मेंडर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जिंदगी जो है अलग अलग दिशाओं में घूमता रहा, मेंडर्ड मेंडर्ड मतलब बिना काम का इधर उधर घूमना, तो उनका जीवन भी मतलब अलग अलग दिशाओं में घूमता रहा। फॉर अनुराधा एंड मी तो मेरे लिए और अनुराधा के लिए हम लोग का मेरा और अनुराधा का जो जीवन था अलग अलग दिशाओं में घूमता रहा। बट आवर लव फॉर लैंग्वेज एंड द रिटन वर्ड स्टूड अस इन अ गुड स्टेड लेकिन हम लोगों का जो भाषा के प्रति जो गहरा प्यार था, लव फॉर लैंग्वेज मतलब भाषा के प्रति हम लोगों का जो प्यार था, लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा,
रिटन वर्ड और जो लिखा हुआ लेख था स्टूड इन स्टेड, मतलब वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। रिटन वर्ड मतलब जो लेख था हम सबों के लिए गुड स्टेड, मतलब हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था, अच्छा साबित हुआ। स्टडीज कंप्लीटेड, हमारा अध्ययन कार्य पूरा हो गया। अनुराधा बिकेम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, और अनुराधा जो है अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मार्केटिंग प्रोफेशनल बन गई। व्हाइल आई बिकेम अ मैथमेटिक्स टीचर, और उसके पश्चात मैं एक गणित की शिक्षिका बन गई। मैथमेटिक्स टीचर मतलब गणित की शिक्षिका बन गई। वी सून हैड आवर ओन फैमिलीज, और बहुत जल्दी हम लोगों का खुद का परिवार हो गया, मतलब हम लोग शादी ब्याह कर लिए, उनका खुद का परिवार भी हो गया। एंड चिल्ड्रन टू रेज, और बाल बच्चों का पालन पोषण भी हम लोग करने लगे, मतलब बच्चे भी आ गए। चिल्ड्रन टू रेज मतलब बाल बच्चे भी आ गए, उनका देखभाल हम लोग करने लगे। इवन सो, इसके बावजूद भी डैडीज अनफिनिश्ड ड्रीम्स लिंगर्ड ऑन, इसके बावजूद भी जो पिताजी का आधा अधूरा सपना था वो ऐसे ही पड़ा रहा, लिंगर्ड ऑन मतलब वैसे ही पड़ा रहा, मतलब उसमें देरी होता गया। बोथ अनुराधा एंड आई कंटिन्यू टू राइट, दोनों उनके दिमाग में ये जो अधूरा कहानी था, मतलब उसका सपना था, पिताजी का जो अधूरा सपना था वो उनके दिमाग में अभी भी था, लिंगर्ड ऑन मतलब उनके दिमाग में अभी भी आ रहा था। और इसीलिए बोथ अनुराधा एंड आई, तो अनुराधा और मैं जारी रखे लिखने के लिए। आई ब्रॉट आउट अ कलेक्शन ऑफ माई पोएम्स, तो मैं कविताओं का एक संग्रह लेकर के आई, बहुत सारा उन्होंने कविता लिखी और कविताओं का एक संग्रह लेकर के आई। कलेक्शन ऑफ माई पोएम्स मतलब कविताओं का संग्रह लेकर के आई। व्हाइल माई सिस्टर पब्लिश्ड हर एंथोलॉजी, और मेरी बहन जो है प्रकाशित की, पब्लिश्ड का अर्थ होता है प्रकाशित करना, और एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का अर्थ होता है गद्य, गद्य प्रकाशित की, जिसमें क्या क्या था, छोटी छोटी कहानियां और उपन्यास, शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवल, मतलब छोटी छोटी कहानियां और नॉवल का संग्रह था उसको, वो क्या की उसकी छोटी बहन प्रकाशित की। आगे हम घटना देखते हैं। इन 2003 में माय एंट्री फॉर अ हॉर्सूनेल इन द कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन वन अ हाईली कमेंडेड प्राइज। तो बोलती है उसकी बहन की 2003 की बात है जब उसका प्रवेश हुआ था कहां, हॉर्सूनेल एक तरह का मतलब प्रतिस्पर्धा था जो कि आयोजन किया गया था किसके द्वारा, कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन इनके द्वारा मतलब आयोजित किया गया था। और ये क्या का प्रतिस्पर्धा था, शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन, छोटी कहानी लिखने का ये प्रतिस्पर्धा था। तो जितने भी लोग थे उन लोग छोटी छोटी कहानी लिख करके इसको भेजना होता था, उसमें ये भी भाग लेती है। तो इसके द्वारा कहा हॉर्सूनेल, इसमें वो शामिल होती है, भाग लेती है, जो कि आयोजित किया गया था कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के द्वारा, और वो जीतती है, वन मतलब जीतती है हाईली कमेंडेड प्राइस मतलब बहुत ही उच्च और प्रशंसनीय पुरस्कार उसको उसमें हासिल होता है। तो इसमें उसको सुना जाता है वो जीतती है, इसमें पुरस्कार जीतती है। सेलेक्टेड फ्रॉम 3700 स्टोरीज, तो देखो 3700 कहानियां लिखी गई थी और उस कहानियों में इसका सिलेक्शन हो जाता है, इसका चुनाव हो जाता है। द कंपटीशन वाज टफ, द जजेस इन्फॉर्मड मी, जो निर्णायक थे जजेस मतलब जो निर्णायक थे उन्होंने उसको सूचना दी कि जो प्रतिस्पर्धा था, कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा था, बहुत ही क्या था, कठिन था, टफ था। योर स्टोरी वॉज ब्यूटीफुली टोल्ड, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो कहानी है बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, एंड वेरी वेल रिटन, और बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। सेंटर्ड ऑन एन ऑर्गन डोनेशन रैकेट, जो कि केंद्रित है, सेंटर्ड मतलब केंद्रित है क्या पर, एन ऑर्गन डोनेशन रैकेट, ऑर्गन, ऑर्गन का अर्थ है अंग, अंगदान, डोनेशन का अर्थ होता है दान, रैकेट, रैकेट का अर्थ गिरोह, तो अंगदान गिरोह पर ये क्या था उसका कहानी केंद्रित था। इट वॉज सेट इन अ रिमोट तमिलनाडु विलेज, और ये बहुत दूर दराज के तमिलनाडु की गांव का मामला था, मतलब उस गांव की कहानी बताई गई थी। रिमोट, रिमोट का अर्थ होता है दूर, तमिलनाडु विलेज मतलब बहुत दूर दराज की गाँव की कहानी बताई गई थी। बट रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन पूरी दुनिया इस कहानी को क्या किया, पढ़ा। ए यूके डॉक्टर्स यूज दिस स्टोरी एज अ टॉपिक फॉर डिबेट अमंग हिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो ये जो यूनाइटेड किंगडम के जो डॉक्टर था उसने तो इस कहानी का प्रयोग अपने विश्वविद्यालय में, है ना, हिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मतलब अपने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए वाद विवाद का विषय चुन लिया था। डिबेट, डिबेट का अर्थ होता है वाद विवाद, टॉपिक का अर्थ होता है यहाँ विषय। तो यूनाइटेड किंगडम का एक जो डॉक्टर था अपने विश्वविद्यालय में इस विषय को वाद विवाद के लिए एक विषय चुन रखा था,
चुन रखा था अपने बच्चों के लिए। द फॉलोइंग ईयर, तो उसी साल, इट वॉज अनुराधा's टर्न, तो ये अभी अनुराधा की बारी थी, टर्न मतलब बारी थी। सी टू वन अ हाईली कमेंडेड प्राइज फॉर हर स्टोरी, और वो भी मतलब बहुत कुछ और प्रशंसनीय प्राइज, कमेंडेड मतलब बहुत ही प्रशंसनीय पुरस्कार जीती अपनी कहानी के लिए, वो भी कहानी जीती थी कौन, अनुराधा। टूडे माई एल्डर डॉटर, और आज मेरी बड़ी बेटी दर्शना रामदेव इज अ जर्नलिस्ट, तो उसकी आज बड़ी बेटी जो है दर्शना रामदेव, वो क्या है, एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट मतलब एक पत्रकार है, विद द डेक्कन क्रॉनिकल। डेक्कन क्रॉनिकल एक मतलब क्या है, न्यूज न्यूज है उसमें उसकी एक क्या है, डेक्कन क्रॉनिकल की एक पत्रकार है वो। सी ऑलवेज वांटेड टू राइट, वो हमेशा लिखना चाहती थी। माई यंगर वन, और मेरी छोटी बेटी दीक्षा, दीक्षा जो है वो स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, वो पढ़ाई कर रही है कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई कर रही है। इज ऑल्सो एन अर्डेंट राइटर, वो भी एक उत्साही लेखिका है, अर्डेंट मतलब एक उत्साही लेखिका है, एंड हैज एन एक्टिव क्रिकेट ब्लॉग, और उसका एक अभी सक्रिय क्रिकेट ब्लॉग भी है। क्रिकेट ब्लॉग जिस तरह से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, या तो फेसबुक होता है, या तो ब्लॉग होता है, या ट्विटर होता है, उसी तरह से एक ब्लॉग होता है जिसमें वो सक्रिय है, और उसका टाइटल क्या है, टी टावेल एक्सप्लेनेशन, उसमें वो अभी भी सक्रिय है। आई एम गोइंग टू बी अ क्रिकेट राइटर, और वो बोलती है कि मैं एक क्रिकेट क्रिकेट के बारे में मतलब मैं लेख लिखूंगी वन डे, तो एक दिन में क्रिकेट के बारे में लेख लिखने जा रही हूँ, वो ऐसा कहती है। She says as if it were a warning. वो ऐसे कहती है मानो ये क्या है, एक चेतावनी हो। Let me finish my engineering. और वो ऐसा बोलती है कि पहले मेरा इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर लेने दो, उसके पश्चात मैं क्या करने जा रही हूँ, क्रिकेट के बारे में लेख लिखने जा रही हूँ, बोलती है उसकी छोटी बेटी दीक्षा। आगे हम देखते हैं, डैडी पास्ड अवे इन 1970. तो डैडी जो है 1970 में क्या हो गए, वो गुजर गए, 1970 में डैडी जो है गुजर गए। टू जेनरेशन अगो मतलब दो पीढ़ी पहले, जेनरेशन का अर्थ है पीढ़ी, तो दो पीढ़ी पहले पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। आई वुड से मतलब मैं कहूंगी कि दो पीढ़ी पहले ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, 1970 में वो गुजर गए थे। बट हिज सिंगल माइंडेड डिवोशन, लेकिन उसका जो सिंगल माइंडेड मतलब पत्रकार लेखन के प्रति जो उसका जुनून था, सिंगल माइंडेड मतलब और किसी दूसरे चीज पर वो मतलब ध्यान नहीं कर रहे थे, केवल लेखन पर अपना ध्यान वो रखते थे कि उसको एक दिन लेखक बनना है, सिंगल माइंडेड डिवोशन। तो उसका जो समर्पण था राइटिंग, लेखन के प्रति, स्टिल ग्लोस अभी तक वो चमकता है, ग्लोस मतलब अभी तक चमकता है, लाइक अ बीकन एक मशाल की तरह, अमंग हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बच्चों में और उसके पोतों में, चिल्ड्रन करते बच्चों में एंड ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब उनके पोतों के बीच में एक मशाल की तरह अभी तक वो क्या करता है, चमकता है, क्योंकि उसको उनका जो समर्पण था लेखन के प्रति वो उसके उनके बच्चों में भी, उनका पोता पोतियों में भी ये दिखाई देता है, लेखिका ये कहना चाह रही। आगे, एनीबॉडी कैन डाई, कोई भी मर सकता है, ये तो स्वाभाविक है, जब हम जन्म लिए हैं तो हमारा मृत्यु भी क्या है, उसी दिन निश्चित हो जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो ना मरा हो, तो हम एनीबॉडी कैन डाई मतलब कोई भी मर सकता है, येट फिर भी हम सभी मर सकते हैं, इसके बावजूद भी। एज आई फिनिश वन मोर पीस दिस स्टोरी, जैसे कि मैं और खत्म करती हूँ, और एक छोटी सी कहानी लिखना खत्म करती हूँ, फिनिश मतलब खत्म करती हूँ, वन मोर पीस और एक छोटी सी कहानी लिखना खत्म करती हूँ, यू हैव रेड आप इसको पढ़ चुके हो, आई नो और मैं जानती हूँ, आई नो समथिंग फॉर श्योर अबाउट दैट, इसमें कुछ ना कुछ पिताजी के लिए मतलब निश्चित रूप से इसमें कुछ पिताजी के लिए कुछ ना कुछ है। His writing never stopped, क्योंकि जो उसका लेखन था वो कभी समाप्त हुआ ही नहीं, मतलब का जो सपना था और वो जो लिखना चाहता था और ऑल इंडिया रेडियो में काम करता था और उसको उससे भारी पैसा मिलता था, उसमें नौकरी करते हुए उसको अच्छा खासा सैलरी मिलती थी, लेकिन उसको छोड़ करके जो उसका जुनून था, पैशन था एक लेखक बनने का, और उसको छोड़ करके वो लेखक इस करियर में अपना कदम रखता है, एक लेखक बनता है, तो उसका जो समर्पण का भाव था लेखन के प्रति, तो वो जो है उसके बच्चों में भी, उसके पोतों में भी दिखाई देता है, और वो काम अभी भी जारी है, नेवर स्टॉप मतलब उसका लेखन का काम जो है वो कभी रुका नहीं, मतलब अधूरा था लेकिन उसके कार्यों को कौन बढ़ाता है, उसके जो
शुरुआत में तो उसके बेटी लोग बढ़ाते हैं उस लेखन कार्य को, उसके बाद उसके पोती लोग या पोता लोग उस कार्य को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब उसका जो लेखन का काम था वो समाप्त नहीं होता है। तो ये था हमारा भवानी देव के द्वारा लिखा हुआ। तो थोड़ा सा हम लेखिका के बारे में देख लेते हैं, अबाउट दी ऑथर। तो हमारा भवानी देव टीचर्स हाई स्कूल मैथमेटिक्स एट गुड शेफर्ड कॉन्वेंट बेंगलुरु। तो ये जो है हाई स्कूल में कक्षा 10वीं तक जो है गुड शेफर्ड कॉन्वेंट स्कूल बेंगलुरु में गणित की विषय पढ़ाती है। इन 2003 सी वन हाईली कमेंडेड प्राइज। तो 2003 में उसको एक बहुत ही प्रशंसनीय पुरस्कार, कमेंडेड मतलब बहुत ही उच्च पुरस्कार मिला फॉर हर एंट्री, उसके प्रवेश के लिए। तो हमने पढ़ चुके हैं इसको, वो प्रवेश की थी क्या में, और होर सुनेल मतलब एक प्रतिस्पर्धा था जो कि आयोजित किया गया था किसके द्वारा, कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशंस। और ये किसके लिए प्रतिस्पर्धा था, शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन मतलब छोटी कहानी का ये प्रतिस्पर्धा था। तो इसमें भाग ली थी और उसको 3,700 लोगों के बीच में उसके कहानी को मतलब सुना गया था, और पूरा मतलब विश्व उसके कहानी को पढ़ा था। और इसका जो कहानी था मेनली क्या था, वो अंगदान पर था, अंगदान गिरोह पर केंद्रित था। तो ये हम पढ़ चुके थे। तो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं इसको, तो इसे हम पढ़ लिए हैं। फ्रीलांस जैसे कि कहा, सेल्फ नियुक्त मतलब स्वनियुक्त, और जो दूसरों के लिए किराए पर काम करता है या तो लिखता है। परस्यू मतलब पीछा करना, कंटिन्यू मित मतलब यहाँ जारी रखना, यहाँ पर पीछा करना वास्तविक तौर अर्थ होता है, लेकिन इस पुस्तक में ये जो पाठ में इसको जारी रखना, कंटिन्यू मित मतलब जारी रखना। इल्यूड मतलब बच जाना, एस्केप फ्रॉम मतलब बच जाना, बच के निकल जाना। रिगेल मतलब वार्तालाप के जरिए किसी का मनोरंजन करना। मिमिक मतलब नकल करना, किसी का नकल उतारना। एटिक अटारी। एक्सक्लूसिव खर्चीला, हाई क्लास एंड एक्सपेंसिव बहुत ही उच्चतम और खर्चीला। ब्लॉकबस्टर अ बुक और फिल्म दैट इज वेरी सक्सेसफुल, पुस्तक या तो फिल्म जो कि बहुत अधिक क्या होता है सफल होता है, हिट हो जाता है, उसको ब्लॉकबस्टर कहा जाता है, ब्लॉकबस्टर कहा जाता है। ट्रीटमेंट द प्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, की विषय को किस तरह से मतलब प्रस्तुत किया जाता है उसको कहा जाता है ट्रीटमेंट। बेकन मसाल, अ लाइट और अ फायर ऑन द टॉप ऑफ अ हिल दैट एक्ट्स एज अ सिग्नल। तो एक तरह का मसाल जो कि दूर से ही लोग उसके प्रकाश को, उसके ज्वाला को दूर से ही देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। तो आप सभी को जो कि मेरे इस क्लास में आप सम्मिलित थे और जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाना पसंद आता है, तो जरूर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको समय पर मिलता रहे, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो पुनः आप सभी को धन्यवाद।